वेलकम टू मिसेज आनंद कुकरी क्लासेस। बहुत से लोग जब अरबी की तरी वाली या ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो उनकी सब्जी बहुत ज्यादा स्टिकी बनती है, तो इसीलिए बहुत से लोगों को रिक्वेस्ट थी कि अरबी की सब्जी पर एक वीडियो बनाई जाए। अरबी की सूखी मसालेदार सब्जी की वीडियो तो हम पहले बना चुके हैं, आप उसे देखिए, लेकिन ग्रेवी वाली अरबी की वीडियो हम आज बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जब भी आप मार्केट जाएं और आप अरबी खरीदें तो कोशिश कीजिए कि आप अरबी इस तरह से गोल और मोटी अरबी खरीदें। ये देखिए, इस तरह से लंबी और पतली अरबी ना खरीदें, क्योंकि इस तरह की अरबी गलती नहीं है, इसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस तरह की गोल और मोटी अरबी बहुत अच्छे से गल जाती है। अरबी में बहुत ज्यादा मिट्टी होती है तो जरूरी है कि आप इसे अच्छे से पहले पानी से 2-3 बार वॉश कर लें, जिससे इसकी मिट्टी निकल जाए। इसके बाद आप इसे चाकू की हेल्प से या पीलर की हेल्प से इसे इस तरह से छीलिए। आप इसे पीलर से भी छील सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से छिल रही है। ये देखिए सारी अरबी छिल रही है। अरबी छीलते हुए और काटते हुए एक ये अरबी इस तरह से अंदर से लाल लाल नजर आई है। इस तरह की अरबी खराब होती है, आप इसे इस्तेमाल ना करें, इसे आपको डिस्कार्ड करना होगा, फेंकना होगा। बाकी की सब अरबी एकदम साफ है और अब हम इन्हें इस तरह से गोल गोल काटेंगे। बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं काटना चाहिए और बहुत बहुत पतला भी नहीं। ये देखिए इस तरह से हम अपनी सारी अरबी को काट लेंगे। मैं इसे गोल शेप में काट रही हूँ, आप चाहें तो इसे लंबा भी काट सकते हैं। सारी अरबी कट गई है और अब मैं इसे एक बार फिर से वॉश करूंगी। इसके लिए हमें चाहिए नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, अजवाइन, हम लेंगे हींग। इसे मैंने लिया है एक बड़ा टमाटर, हरी मिर्च और कुछ पीसेस अदरक के, साथ में दही एक बड़ा चम्मच या फिर 2 छोटे चम्मच दही। और ये अरबी जो हमारी कटी हुई है उसे मैंने पानी में दोबारा वॉश करके रख लिया है। अगर आप अरबी को इसी तरह छोड़ेंगे बिना पानी के तो वो काली पड़ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अरबी की सब्जी बनाना। सबसे पहले गैस में कुकर रखेंगे, उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। अरबी की सब्जी में अजवाइन का तड़का लगता है, भिंडी की सब्जी उसमें भी मैंने आपको अजवाइन का तड़का बताया था। डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन और 1 पिंच हींग। गैस बिल्कुल कम कर देंगे। देखिए अजवाइन भुन गई है और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया है उसको ऐड करेंगे। डालेंगे मसाले, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इसे अच्छे से भुनेंगे। मसाला किसी भी सब्जी में बहुत अच्छे से भुनना चाहिए, नहीं तो उसका टेस्ट कच्चे मसाले का टेस्ट उसमें आता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत से स्टूडेंट्स की का क्वेश्चन रहता है कि मसाला भून गया ये कैसे पता चलता है, तो इसके लिए जरूरी है कि जब आप मसाला भूनते हैं गैस थोड़ी सिम रखें, मीडियम रखें, और आपको एक भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी और मसाला स्टिकी होना खत्म कर देगा और थोड़ा थोड़ा तेल आपको साइड्स में नजर आने लगेगा, इसका मतलब मसाला भून गया है। मसाला कभी भी जलना नहीं चाहिए। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मसाला जलने वाला है तो आप या तो गैस बंद कर दीजिए या उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, उससे मसाले की कुकिंग बंद हो जाएगी और वो जलना भी बंद कर देगा। अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच दही जो हमने लिया था, उसमें थोड़ा पानी डाल के हमने उसे अच्छे से फेंक दिया है। जब भी आप किसी भी चीज में दही डालें गैस एकदम सिम रखें और दही डालते ही उसको एकदम चलाएं, जाएगी हमारी अरबी जो हमने काट के रखी हुई थी।
डालेंगे इसमें थोड़ा सा और पानी। पानी आपको कितना डालना है वो डिपेंड करेगा आप कितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं। पर करीब 1.5 कप पानी इसमें डल जाएगा। इसे एक विसल आने तक कुक करेंगे और उसके बाद फिर गैस सिम करके कुकिंग करेंगे। तो देखिए इसमें एक विसल आने के बाद मैंने गैस सिम कर दिया था और अभी से कुक होते हुए करीब 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे गैस से उतारते हैं और वेट करेंगे इसका पूरा स्टीम निकलने तक का। देखिए हमारी अरबी की सब्जी तैयार हो गई है। आप इसे हल्का हल्का कड़छी की मदद से इसको मैश कर दें। इसको कुक होने में जैसे मैंने बताया 7 मिनट लगे और ये एकदम अच्छे से कुक हुई है। हल्का हल्का मैश करने से जो पीसेस बड़े बड़े हैं वो भी छोटे हो जाएंगे और एक अच्छे से थिक ग्रेवी बन जाएगी। सर्व करते हैं। देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार है। तो देखिए हमारी अरबी की ग्रेवी वाली सब्जी बिल्कुल तैयार है और इसको बनाने में हमें सिर्फ 7 से 8 मिनट लगे हैं। अरबी क्योंकि इसमें बहुत अच्छा गुड सोर्स ऑफ फाइबर है। बहुत से लोगों को अरबी को छीलते हुए हाथों में इचिंग होती है, उसके लिए या तो आप हाथों में तेल लगा लें और या फिर आप इसे माइक्रोवेव सेफ बोल में अरबी को वॉश करके डालें और उसे माइक्रोवेव हाई पर 250 ग्राम अरबी को 6 से 7 मिनट के लिए कुक कर लें, उससे भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि हमने इसमें दही डाला है इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, खटास देगा और वो खट्टापन आने की वजह से इसमें स्टिकीनेस भी खत्म हो जाएगी। जो आपको दिक्कत आती है कि अरबी बनने के बाद बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है वो चीज नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें दही डाला है। दही डालते हुए आप इस बात का ध्यान रखें या तो आप दही को टमाटर के साथ ही ग्राइंड कर लें और या फिर अगर आप अलग से डाल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि टेम्परेचर उस टाइम आपका कम होना चाहिए। आप गैस को स्लो कर दें और तब दही डालें, नहीं तो कई बार दही फट जाता है। आप अगर इस तरह से अरबी की सब्जी बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल स्टिकी नहीं बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। फिर इसी तरह की और इजी टू मेक हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज के लिए आप मेरा चैनल मिसेज आनंद कुकरी क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।